चैन नंद सहा परमिता ते पद विंद पौ नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिन वरे अर्धति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साजी को वारंबार नमस्कार। श्री मालारोहण जी ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधनं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चेतान्निरूपम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध देशना की जय हो जय हो जय। आपका उपयोग यहाँ हो डिस्टर्ब से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वांछन का क्रम चल रहा है श्री मालारोहण जी अर्थात आचार्य तारण तरण जिन स्वामी जी ने मालारोहण जी में जो सार दिया है सार ऐसे गाथा नंबर 31 का वांछन चल रहा है। गाथा नंबर 31 का वांछन चल रहा है आचार्य तारण तरण जिन स्वामी जी ने जो मालारोहण ग्रंथ जी में सार दिया है सार उसका सार का वांछन चल रहा है क्योंकि मालारोहण जी की पूरी वांछना हो चुकी है। 31 गाथाओं की वांछना हो चुकी है अंतिम गाथा का सार चल रहा है और अंतिम गाथा में गुरु महाराज कह रहे हैं भैया शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। एक बात कह रहे हैं गुरु महाराज कि शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुणमालिका को गूंथना है। देखो भैया मालारोहण जी का पूर्ण प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। मालारोहण जी का पूर्ण प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम कि हे भव्य आत्मा तुझे कुछ गूंथना है तो वो शुद्ध स्वभाव के अपने अनंत गुणों की माला को गूंथना है। इसके अलावा और कुछ गूंथने योग्य नहीं है। देखो भैया जैसे संसारिक लौकिक प्रयोजनों में यदि आपको एक माला बनानी होना तो आप हीरे मोती पुखराज इन इन बाहर के जड़ रत्नों को प्रो के माला बनाओगे उस माला को अपने कंठ में पहनोगे तो आपको गौरव महसूस होता ना कि देखो 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 ये हीरे सोने की चेन डली है हीरे की माला डली है मोतियन की माला डली है कैसा कैसा गारा होता कैसा अहम बरतता अहम बरतना नहीं बरतता कैसी अहंकार की प्रवृत्ति झलकती है मान कसाई की प्रवृत्ति झलकती है। लेकिन यहाँ मालारोहण जी में गुरु महाराज जो माला प्रोने के लिए कह रहे हैं वो प्रयोजन भूत गुणों की माला कह रहा है। भैया क्या शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को गूंथना है। अब बताओ भैया बाहर के मोतियों की माला का गूंथने के लिए तो अपना धागा पता है कि भैया एक सुई लो एक धागा लो और मोती को प्रोतो जा तो माला बन जाएगी। अब ये बताओ अंतर शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम आपको शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को गूंथना है अब इसको गूंथने का तरीका क्या है। बाहर में माला गूंथने का तरीका क्या है सुई लो धागा लो और एक एक मोती डालते जाओ तो बाहर की माला तो बन जाएगी। लेकिन आप यह बताओ कि शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को गूंथने का क्या तरीका उसको भी तो गूंथा जाता है। जब आखिरी में तारण तरण देव कह रहे हैं कि भैया ऐसे अनंत गुणों की माला को गूंथो तो कैसे गूंथेगी वो भाई क्यों गूंथे कि अनंत सिद्ध परमात्माओं ने अनंत आज तक जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए उन्होंने मुक्ति में प्रवेश इस माला को गूंथ के ही किया है इस माला को ग्रहण करके किया है।
तो भैया अब अपने को शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को ग्रहण करना है। अब बताओ काय से ग्रहण करोगे, काय से ग्रहण करेंगे, नियम करके, व्रत करके, शुभ परिणाम से, कसाई की मंदता से? तो इन शुद्ध गुणों की गुण मालिका को ग्रहण करने का मार्ग बताओ आप। तो अपने श्रद्धान और ज्ञान का जो जोड़ा है, श्रद्धान और ज्ञान की जो परिपक्वता है, श्रद्धान के द्वारा अपने तत्व के श्रद्धान के द्वारा जो एक एक मोती अपन प्रो रहे हैं अपने ज्ञान में भैया, वो ज्ञान में प्रोने वाले मोतियों से ही शुद्ध गुणों की माला बनेगी। देखो इस भूमिका में इस जीव को अपने तत्व का श्रद्धान है, अपन आवृत्ति श्रावक है ना भैया, या अपन व्रति श्रावक है ना, अपने आप को अपन जिस भूमिका में ले रहे हैं, अब ये बाहर की भूमिका छोड़ो, अब अपनी भूमिका में आओ भैया। अपने अपन ये बाहर में श्रावक हैं, वृत्ति हैं, आवृत्ति हैं, ये भूमिका भी छोड़ो, अभी अपनी भूमिका में आओ। अभी अपन ना श्रावक हैं, ना वृत्ति श्रावक हैं, ना महावृत्ति श्रावक हैं, इस समय अपन एकमात्र आत्मा है, एकमात्र चेतना है। देखो इस भूमिका से सुनना पड़ेगा आपको, इस समय अपन ना वृत्ति है, ना आवृत्ति है, ना अपन महावृत्ति है, इस समय अपन एक आत्मा है, अपन एक चेतन शक्ति है। आपको पहले यहां मैं पना बरतना चाहिए, इस समय हम हमारी बाहर की भूमिका क्या है, स्त्री है, पुरुष है, व्रति है, आवृत्ति है, महावृत्ति है, हमारी बाहर की भूमिका क्या है, अभी ये चर्चा नहीं चल रही। तो अभी आपकी ये भूमिका चल रही है कि इस समय आप एक जीव आत्मा हो, आप एक चेतना हो, आप एक चेतन गुणों के स्वामी, ज्ञान आदि गुणों के पिंड परमात्मा हो। तो भैया इस समय मेरी भूमिका क्या है, इस समय मेरी भूमिका क्या है, इस समय मेरी भूमिका एक है कि भैया मैं ज्ञान मात्र चेतना, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन शक्ति हूं। तो अब ऐसे आत्मा को संबोधन किया जा रहा है, ऐसे जीवात्मा से कहा जा रहा है क्या, कि क्या कह रहे हैं भैया, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, भैया अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को ग्रहण करो। अब बताओ एक आत्मा अरूपी तत्व, एक निराकार चेतन शक्ति, एक चेतन लक्षणमय उपयोग का स्वामी, ये आत्मा अपने अनंत गुणों की माला को कैसे ग्रहण करेगा, ये आत्मा अपने अनंत गुणों की माला को कैसे ग्रहण करेगा? देखो भैया आपके मन वचन काय के हाथ पर छीन लिए गए, ना यहां मन की बात चल रही है, यहां ना वचन की वृत्ति की बात चल रही है, ना यहां काया के परिणमन की बात चल रही है, यहां एक जीव आत्मा की बात चल रही है। और जीव आत्मा से कहा जा रहा है, एक आत्मा को संबोधन दिया जा रहा है, जिनेन्द्र भगवान एक आत्मा को उपदेश दे रहे हैं कि शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, जो तुम्हारे स्वभाव में अनंत गुण विद्वान है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे शुद्ध गुणों की माला को भूत हो। अब एक आत्मा से कहा जा रहा है भैया, अब आप पहले ये तो बता, क्या यह जीव आत्मा मैं ही हूं ऐसी वर्तना है आप में? क्या ये चेतना मैं ही हूं, यह ज्ञान शक्ति मैं ही हूं जिसे संबोधन दिया जा रहा है, ये ज्ञान शक्ति मैं ही हूं जिससे कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये गुणों की माला गूंथने की पात्रता मात्र ज्ञान में, ये गुण एक एक गुण जहां एकत्रित होंगे उसका नाम ज्ञान शक्ति है, एक एक गुण जहां एकत्रित होंगे उसका नाम ज्ञान है, ज्ञान ही इन अनंत गुणों की माला को गूंथ सकता है। लेकिन भैया अपने तत्व के श्रद्धान के बल पे, तत्व के श्रद्धान के बल पे, अर्थात आपको अपनी भूमिका इस समय ये प्रतीत हो कि मैं ज्ञान हूं, मैं चेतन, मैं शक्ति हूं, आपका मैं पना बरत रहा है यहां कि मैं ज्ञान हूं, मैं चेतन शक्ति हूं। देखो भैया आपसे अभी अली कहें आप स्त्री हो तो आपको मैं पना बरत रहा है, यदि आपसे अभी कहें आप मन हो तो आपको मैं पना बरत रहा है, यदि आपसे अभी कहें आप सुन रहे हो तो आपको मैं पना बरत रहा है, यदि आपसे अभी कहें आप देख रहे हो तो आपको मैं पना बरत रहा है कि हाँ मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, इस देह की संपूर्ण अभिव्यक्ति से, मन वचन काय की संपूर्ण प्रवृत्ति से आपको वर्तमान में मैं पना बरत रहा है कि मैं इस पुद्गल शरीर से परिणमित हो रहा हूं। लेकिन अब आपकी भूमिका से हम आपसे कह रहे हैं भैया आप ज्ञान मात्र चेतना हो, शुद्ध गुणों की माला को गूंथना है आपको,
तो आप बताओ क्या आपको ये मैंपना बरत रहा है कि मैं वो ज्ञान मात्र शक्ति हूं, वो ज्ञान मात्र शक्ति हूं, वो ज्ञान मात्र चेतना हूं, जिस ज्ञान मात्र चेतना में ये अनंत गुण प्रोए जाएंगे। बताओ ये अनंत दर्शन कहां मिलेगा, अनंत ज्ञान कहां मिलेगा? अरे रत्नात्रेय का भंडार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कहां मिलेगा? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, अपनी आत्मा की ध्रुव शक्ति का प्रकाश कहां मिलेगा? वो चेतन शक्ति ही मिलेगा, अपनी अंतर शक्ति ही मिलेगा। वो चेतन आत्मा, ए तेरा मैंपना वृत्ति पने में पड़ा है, आवृत्ति पने में पड़ा है, तेरा मैंपना यदि इन मन वचन काय की क्रियाओं में पड़ा है, तो अब बता तू उन शुद्ध गुणों की माला को कैसे गूंथेगा? अच्छा बता, सागर से अमृत निकलेगा ना? सागर को मंथन करोगे तो ही अमृत निकलेगा ना? कीचड़ का मंथन करोगे तो, नाले नाले का मंथन करोगे तो, अच्छा ठीक है, अपने तालाब का मंथन करोगे तो, और नदी का मंथन करोगे तो अमृत कहां से निकलेगा? अमृत सागर से निकलेगा ना भैया, सागर मंथन से अमृत निकलेगा ना, नदी के मंथन से भी अमृत नहीं निकल भैया। ऐसे ही आप मन वचन काय की कोई सी भी क्रिया करोगे, आप पुण्य की क्रिया करोगे, आप शुभ की क्रिया करोगे, आप अशुभ की क्रिया करोगे, आप कुछ भी करोगे तो अमृत प्रकट नहीं हो सकता भैया। शुद्ध गुणों की ग्रहण करने की बात है, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, शुद्ध स्वभाव के गुणों को ग्रहण करने की बात है भैया। शुद्ध स्वभाव के गुणों को जब ग्रहण करने की बात होती है तो कहां से निकलेंगे वो शुद्ध गुण, ये बताओ कहां से आएंगे? जहां चेतना वहां से आएंगे नहीं आएंगे? जहां चेतना है, जहां चेतना वरत रही है, जहां ध्रुवता वरत रही है, जहां ध्रुवता प्रकाशित हो रही है, उस ध्रुव शक्ति से चेतन गुणों का जन्म होगा। अब आप ये बताओ क्या वो ध्रुव शक्ति मैं हूं, ऐसी मैंपने की वर्तना आप में है? भैया देखो, यदि छाछ में मथनी डाली जाए और उसे हिलाया, उसे फेंटा जाए, तो आपको पक्का विश्वास है कि मां मक्खन है? पक्का विश्वास? छाछ से मक्खन है और पानी में मथनी डाल के मथा जाए तो नहीं? पक्का? अब शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, आपको शुद्ध गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करना है, शुद्ध प्रकाशवान चेतन शक्ति, आपको वीतराग तत्व की गुणमालिका को ग्रहण करना है। अब आप बताओ कौन सी जगह अपनी दृष्टि डालोगे, कहां अपने चिंतन की मथनी डालोगे, कहां अपनी स्वीकारता की मथनी डालोगे कि वो अनंत रत्नात्रेय का प्रकाश निकल के बाहर आ जाए? कहां डालोगे, कहां डालोगे अपनी मथनी? परम पेनी सुवधि छेनी कहां डालोगे, कहां डालोगे? देखो भैया, बहुत दिन हो गए प्रवचन आपने बहुत सारे लोगों को सुने, स्वाध्याय भी आपने बहुत किया है, प्रवचन भी आपने बहुत लोगों के सुने हैं, स्वाध्याय भी आपने बहुत किया है, लेकिन एक बात बताओ, इतना स्वाध्याय करने के बाद, इतनी तत्व चर्चा सुनने के बाद, इतना मंथन और चिंतन के बाद, क्या परिणाम फल निकल के ये आया कि आपका मैंपन अपनी ध्रुव चेतना में आया कि मैं चेतन तत्व परमात्मा हूं? जब इस चेतना में मेरी दृष्टि जाएगी तभी अमृत निकलेगा, और यदि इस चेतना में दृष्टि नहीं जाएगी तो कभी भी रत्नत्रय का विभव उत्पन्न होने वाला, कभी मैंपना यहां वर्ता उस शुद्ध चेतन शक्ति में। देखो भैया, कल भी, कल तो आपने सुना ही नहीं था, देखो ये बात मैंने कल भी कही थी कि भैया ज्ञानावरणादि कर्म का आवरण जीभ पे है, ऐसा व्यवहार कथन है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन जीभ की सत्ता सदैव निरावरण है, उस जीभ की सत्ता को ज्ञानावरणादि कर्म का कोई उदय नहीं है। भैया क्यों नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? जीव संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है? तो मैंने एक उदाहरण दिया था भैया कि एक बात बताओ, निगोदिया जीव को भी अभी अक्षर के अनंत भाग ज्ञान प्रकट है, यदि ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान का घात करता है, ज्ञान की पर्याय का घात करता है, तो निगोदिया जीव के ऊपर तो पूरे तीनों लोकों के कर्म का आवरण है, उसका ज्ञान का घात क्यों नहीं हुआ? यदि ज्ञानावरणी ज्ञान का घात करता है तो निगोदिया का ज्ञान खत्म करो ना, शून्य करो, आप शून्य कर सकते हो, जीव से ज्ञान शक्ति को बाहर निकाल सकते हो?
जीभ से ज्ञान शक्ति का अभाव कर सकते हो? जब जीभ से ज्ञान शक्ति का अभाव नहीं किया जा सकता तो फिर ज्ञानावरणादि कर्म जीभ का क्या बिगाड़ सकते हैं? भैया ज्ञानावरणादि कर्म जीभ का क्या बिगाड़ रहे हैं? ज्ञानावरणादि कर्म जीभ का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है भैया। जीभ का बिगाड़ ज्ञानावरणादि कर्म जब करते हैं जब जीभ का मैंपना पर पर्याय में होता है। अब जब जीव का मैंपना अपनी शुद्ध चेतना में होता है, अपने ज्ञायक स्वभाव में होता है, तो वह इन कर्मों से भिन्न अपनी चेतन शक्ति को देखता है। और भैया जो जीव इन कर्मों से भिन्न अपनी चेतन शक्ति को देखता है उसे यह अमृत मंथन होता है, वो प्रयोजनभूत शक्ति को जानता है। अच्छा बताओ, व्यापार करने जाते हो, दुकान चलाने जाते हो तो प्रयोजन लाभ लेके जाते हो नहीं जाते? चौके में जाते हो तो प्रयोजन भोजन लेके जाते हो नहीं जाते? भूख मिटाने का अभिप्राय होता नहीं होता? भैया अब शुद्ध गुणों की माला को ग्रहण करने की आप बात कर रहे हो, रत्नत्रय को प्रकट करने की आप बात कर रहे हो, तो प्रयोजन अपना प्रयोजन कहाँ लेके जाओगे, किसे प्रयोजनभूत करोगे? क्रियाओं को, मन वचन काय की वृत्ति को किसको प्रयोजनभूत करोगे? प्रयोजनभूत किसे लोगे? लक्ष्य में किसे लोगे? आपके लक्ष्यभूत कौन रहेगा आप तो ये बताओ बस। देखो यहां चर्चा का पूरा अभिप्राय अपनी चेतन शक्ति की पकड़ करने से है। अपने को देह की पकड़ है, मन वचन काय की पकड़ है, उपयोग के परिणाम के परिणमन की पकड़ है, शुभ अशुभ भाव की पकड़ है, द्रव कर्म भाव कर्म से जो क्षयोपशम बुद्धि का आवरण है, मन वचन काय का जो आवरण है उस आवरण की पकड़ है। लेकिन जो सत्य सनातन चेतन देव स्वभाव अपने अंदर निवास कर रहा है बस उसकी पकड़ नहीं है, बस उसको छोड़ के बाकी सबकी पकड़ है। भैया उस चेतन शक्ति को छोड़ के इन पर द्रव्यों की पकड़ होना, इन कर्मों की पकड़ होना, शुभ अशुभ परिणाम की पकड़ होना, ये द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म की पकड़ होना, मन वचन काय की पकड़ होना, इसका ही नाम तो पर्याय दृष्टि है। और कहा को पर्याय दृष्टि कहते हैं बताओ? यदि आप शुभ प्रकृति को पकड़ते हो, यदि आप अशुभ प्रवृत्ति को पकड़ते हो, यदि आप मन वचन काय की क्रिया को पकड़ते हो, तो ये मन वचन काय की क्रिया को पकड़ने का नाम ही तो पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि किसे कहते हो आप? परिणमन की दृष्टि किसे कहते हो आप? संसार दृष्टि किसे कहते हो? अच्छा, जो पर की दृष्टि है, जो स्वचतुष्टय से भिन्न है। स्वचतुष्टय से भिन्न क्या भैया? मन वचन काय का परिणमन। जो स्वचतुष्टय से भिन्न है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इस स्वचतुष्टय से जो भिन्न है, उस भिन्न पर द्रव की पर समय की स्थिति को देखना, इसका नाम ही पर्याय दृष्टि है। भैया जब तक पर्याय की पकड़ है तब तक आत्मज्ञान होना संभव? आत्मज्ञान एक एक आत्मज्ञान आपको सिर्फ एक शक्ति के बल पे हो सकता है। आत्मज्ञान आपको सिर्फ एक एक शक्ति के बल पे हो सकता है। आत्मअनुभव आपको सिर्फ एक शक्ति के बल पे हो सकता है भैया। वो शक्ति है अपनी अंतर की चेतना शक्ति, अपने अंतर का स्वभाव, अपने अंतर में विद्यमान अपना चेतन स्वभाव, इसकी पकड़ होगी जब यहां में पना बैठेगा, जब अपना अस्तित्व स्वीकारते में आएगा कि मैं तो अनादि निरंत अचिंत चिंतामणि चेतन प्रकाशवान ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। भैया जब अपने ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा की पकड़ अंतर में बैठेगी तब ये शरीर की, मन की, वचन की, काय की पकड़ टूटेगी। भैया वही तो उपाय बता रहे, जब यहां अपने स्वभाव की पकड़ बैठेगी तब आपको यह विभाव रूप परिणति की पकड़ टूटेगी। अब प्रश्न है कि भैया ये पकड़ टूटेगी कैसे, ये पकड़ को छोड़ेंगे कैसे? तो भैया एक बात बताओ, पकड़ छोड़ने का उपाय तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्यों भैया? क्योंकि आपने संसार में बहुत सारी चीजों में पकड़ तोड़ी है। भैया कैसे पकड़ तोड़ी है, क्या पकड़ तोड़ी है, आप खुद अनुभव से बताओ। भैया आप खुद अनुभव से बताओ, यदि आपके पास क्या बोलते हैं, आपने जब भी कुछ छोड़ा है तो किसके बल पर छोड़ा, कैसे छोड़ा? संसार में तो बहुत सारी वस्तुएं छोड़ी आपने, कैसे? भैया मान लो आपने क्या बोलते हैं अवक्ष का त्याग किया है, भक्ष ग्रहण करना चालू किया है, आपने आलू छोड़े हैं तो केले खाना प्रारंभ किए,
किया है ना भैया आपने, यदि आपने क्या बोलते हैं व्यसनों को छोड़ा है तो आपने सात्विक भोजन की प्रवृत्ति को अपनाया है, सदा का आचार्य जीवन को अपनाया है। ये व्यवहार में ये तो आपने अशुभ का त्याग किया है तो आपने शुभ को ग्रहण किया है, ये बात तो पक्की है ना। तो भैया इसी प्रकार से इसी तरीके से यहाँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अमृत ग्रहण करके, जिनेन्द्र भगवान की देशना का अमृत ग्रहण करके, जिनवर भगवान बार बार तुम्हें चेता रहे हैं कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य है, तू केवल ज्ञान में सत्ता है, अरे ऐसे ज्ञान अमृत को ग्रहण तो करो। बार बार यदि ये चोट अंतर में लगेगी, बार बार यदि ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी अपने हृदय में प्रवेश करेगी, ये ज्ञान में अमृत आपकी चेतना में आपके अंतर मन में विराजमान होगा, वस्तु स्वभाव आपको बार बार स्वीकार होगा, आपके हृदय में चोट मारेगा कि हे चेतन आत्मा कहाँ तो इस पुद्गल अचेतन में अपना अपनापन ला के बैठा है। तू जानता तो है कि संसार की एक एक समय की अवस्थाएं नश्वर है, तू सुनता है, तू पढ़ता है, तू स्वयं बोलता है कि तत्समय की योग्यता से सारा परिणमन हो रहा है, लेकिन हे जीवात्मा इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करता। अब भैया अब प्रश्न ये आएगा, भैया स्वीकार कैसे करें। देखो प्रश्न तो प्रश्न है, अब आप ये प्रश्न कर दोगे भैया स्वीकार तो करना चाहते हैं लेकिन भैया स्वीकार कैसे करें। भैया तुम कब स्वीकार करना चाहते हो ये तो बता, जब आकुलता हो। तुम कब स्वीकार करना चाहते हो, जब तुम्हारे मन के अनुरूप काम ना हो। अच्छा बताओ, जब अपनी मनमानी चलती है तब जिनमानी की याद आती है। जब अपनी मन की सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं तब जिनमानी की याद आती है। जब जिनेन्द्र भगवान के वचन याद आते हैं, जब मजबूरी होती है, कोई दुख आता है, कोई चिंता आती है, कोई आकुलता का परिणाम आता है, तब ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी याद आती है। और नहीं तो मद में, पर्याय के मद में, वर्तमान प्राप्त पुण्य संयोग के मद में, वर्तमान में प्राप्त जो संपदा है, वर्तमान में प्राप्त जो धन है, संपदा है, वैभव है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, मान है, सम्मान है, जो वर्तमान में प्राप्त पुण्य और पाप का उदय है, इस इन पर्यायों के मद में, इन पर्यायों के अहम में अपन इतने बेहवान हैं, इतने बेहवान हैं कि अपने को अपने सबसे निकटवर्ती अपने चेतन तत्व का होश नहीं है और बाकी एक एक समय की पर्याय का होश। अच्छा बताओ, अपने अपने सबसे निकट, अपने ज्ञान के सबसे निकट, अपने दर्शन के सबसे निकट, अपने आत्मा के अलावा कुछ है क्या, है क्या कोई और? अपने सबसे निकट, अपने उपयोग के सबसे निकट, अपने चेतन तत्व भगवान आत्मा के अलावा और कोई है क्या? ये पर्याय तो बहुत दूर है, ये पुद्गल रूप संयोग की अवस्थाएं तो बहुत दूर है। जो अपने ज्ञान के, जो अपने उपयोग के सबसे निकट है उसका बोध अपने को नहीं है, और जो अपने से दूर है, पर पर्याय है, पर परिणमन है, उन सबका बोध है। ये मन वचन काय की प्रवृत्ति, ये मन वचन काय का परिणमन, ये आत्मा से कोसों दूर है, स्व समय से भिन्न है। ये परिणमन स्व समय अपने अनंत चतुष्टय से बिल्कुल भिन्न है, पर समय में घटने वाला परिणमन है। भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, ये पर समय है, लेकिन आत्मा तो स्व समय है, जहां ना भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य, जो स्व समय है। क्या कभी स्व समय का बोध होता है? अच्छा बता, मैं कहां से आया? निगोस से। कहां जाना है? मोक्ष। पर समय का बोध है, क्योंकि ना आत्मा निगोद गया, ना आत्मा को मोक्ष जाना। निगोद की अवस्था ही पर समय का परिणाम है, और मोक्ष जाने की कामना भी पर समय का परिणाम है। और इन सारी भावनाओं से, इन सारी इच्छाओं से आपको बेराग आए कि भैया मैं निगोद से आया, मुझे मोक्ष जाना है, तो ठीक है, लेकिन मैं निगोद से आया और मुझे मोक्ष जाना, यदि ऐसी श्रद्धा आपके अंतर में है तो आप विपरीत है। यह बात श्रद्धान करने के लिए नहीं है, यह बात बैराग्य के लिए। और बैराग अभी कहां, जब तक तत्व का श्रद्धान नहीं है, जब तक तत्व की पकड़ नहीं, विरक्ति कहां, वैराग कहां? मरघटिया वैराग है, दो मिनट के लिए आता है, कब? जब आकुलता होती है, और जब सुख का उदय आता है, पुण्य का उदय आता है, तो वो भी नहीं आता। जब वियोग होता है तब दो मिनट का मरघटिया वैराग आता है, और आजकल तो वो भी नहीं रहा, आजकल तो दिखावा रह गया बस। तो भैया यहां मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि भैया ये सारी घटनाएं, ये सारा परिणमन,
जिसमें अपना मैंपना फंसा हुआ है, मैं हर बात में मैं करता, मैं धरता, मैं सुनता, मैं उठता, मैं बैठता, मैं चलता, मैं बोलता, मैं खाता, मैं पीता, मेरा परिणाम इस संसार में हो रहा है। इस पुद्गल में मैंपने की मानता करते करते इस जीवन को पूरा जीवन बीत गया और इस जीव को अनंत काल निकल गया। ये मेरा पुद्गल को कहते। अरे एक बार ये सर्व भगवान की वाणी को स्वीकार करके, एक बार जिनेन परमात्मा के वचनों को स्वीकार करके, जो सनातन है, जो अस्तित्व है, जो ब्रह्म है, जो तुम्हारी स्व चेतना है, एक बार तो कहो कि मैं जीता जागता जैवंत तत्व भगवान आत्मा। एक बार अंतर से आवाज तो निकले कि देखो कि मैं भगवान आत्मा हूं। जब ये कहोगे ना मन पकड़ेगा, जब ये कहोगे ना तो मन पकड़ेगा, ये कहोगे ना तो मोह पकड़ेगा, ये कहोगे ना तो अंतर में मन दबाएगा, अंतर में मन कहेगा अरे भगवान आत्मा हो। देखो राग की धारा चल रही है, देखो मोह की धारा चल रही है, देखो अपनत्व की धारा चल रही है। ये नहीं कहेगा कि देखो ये तो भाव कर्म का उदय चल रहा है, ये नहीं कहेगा। ये कहेगा कि राग मुझ में हो रहा है, ये कहेगा देश मुझ में हो रहा है, ये कहेगा क्रोध काम करने वाला मैं हूं, ये कहेगा कि रोटी बनाने वाला मैं हूं, ये कहेगा पुत्र परिवार का पालन करने वाला मैं हूं, ये नहीं कहेगा कि ये सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा झलका है वैसा संपूर्ण विश्व का परिणमन चल रहा है। अरे मैं इस छह द्रव्यों के परिणमन में मैं मात साक्षी ज्ञाता भाव का स्वामी, मात चेतन तत्व भगवान आत्मा, ये कभी नहीं कहेगा। देखो भैया स्वभाव की पकड़ चाहिए ना, तत्व की पकड़ चाहिए ना। चाहते हो कि चेतन शक्ति में पना हो जाए, इच्छा है कि चेतन शक्ति में पना हो जाए, कि मुझे अपनी अंतर आत्मा में, मुझे अपनी चेतन शक्ति में मैं पने की वर्तना हूं। मैं जो मैं पना घर में महसूस करता हूं, घर जाते से सुरक्षा का भाव होने लगता है। आज जो मैं पना अपनी गाड़ी पे, दुकान की गाड़ी पे बैठ के महसूस करता हूं, आज जो मैं पना मैं चौके में भोजन बनाते हुए महसूस करता हूं कि देखो मैं कर रहा हूं, कर्तृत्व पने के परिणाम में महसूस करता हूं, वो मैंपना मुझे मेरी ध्रुव चेतना, मेरे अनादि निरंतर अजर अमर अविनाशी शाश्वत स्वभाव में बरते, मेरी चेतन शक्ति में बरते, इसी भावना भी है। देखो आज तक ऐसा लक्ष्य नहीं बनाया अपन ने, क्रियाओं करने का लक्ष्य तो बहुत बनाया। बाहर की मन वचन का है कि क्रियाएं करने का लक्ष्य तो बहुत बार बनाया है, लेकिन कभी अपन ने ये लक्ष्य भी नहीं बनाया कि जो मैंपना, जो अपनापन, जो अपनेपन की भाव भावभासना मुझे इन मन वचन काय के परिणामों में होती है, वो अपनेपन की भाव भावभासना मुझे मेरी चेतन ध्रुव तत्व भगवान आत्मा में होनी चाहिए। कभी ऐसा लक्ष्य भी बनाया, कभी अंतर से भावना भी उत्पन्न है। भैया जब तुम्हारा कभी लक्ष्य नहीं बना, जब तुम्हारे अंतर से कभी ऐसी भावना उत्पन्न नहीं हुई, जब तुमने कभी अपने अंतर में ऐसे अपने निज चेतन तत्व भगवान आत्मा के दर्शन करने की भावना को उपलब्ध नहीं किया, हाँ तुमने कभी ये भावना भाई कि भैया हमें सम्यक दर्शन हो जाए, तो वो भी सम्यक दर्शन की पर्याय के स्वार्थ में भाई, अपने भीतरक तत्व परमात्मा की चाहत में नहीं भाई। ये तुमने कभी सम्यक दर्शन की भावना भाई भी, तो सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय को चाहा तुमने, अपने त्रिकाली निज भगवान आत्मा को नहीं चाहा। क्योंकि भैया यदि तुमने अपने त्रिकाली निज भगवान आत्मा को चाहा होता तो जिनेश्वर भगवान कह रहा है कि वो तो तुम्हारे कंठ में विराजमान है, और जो वस्तु स्वयं तुम्हारे कंठ में विराजमान है उसे कहीं बाहर से प्राप्त किया नहीं जा सकता। जो वस्तु स्वयं तुम्हारे अंतर, जो परमात्मा स्वयं तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उस परमात्मा को कहीं बाहर मंदिरों से, तीर्थों से या विद्वानों से सुन के प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो परमात्मा तुम्हारे कंठ में, स्वयं तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, उसे तो अपनी अंतरोन्मुख दृष्टि से उत्पन्न किया जा सकता है, अपनी रुचि से प्रकट किया जा सकता है, अपने अंतर स्वभाव की रुचि से उसको उपलब्ध किया जा सकता है। भगवान आत्मा एक बार बताओ तो, नियम की रुचि है, व्रत की रुचि है, मंदिर विधि की रुचि है, भक्ति की रुचि है, बहुमान की रुचि है, दुकान की, मकान की, शुभ अशुभ के, सारे संसार के सारे क्रियाकर्म की सबकी रुचि है, लेकिन अपने निज गायक तत्व भगवान आत्मा की रुचि है? तो ना भैया आपकी चर्चा में तो मन भी नहीं लगता, यही स्थिति बनेगी देखना। यहां तो इस बात, ये जो बात कही जा रही है भैया, ये बात तो
ये जिनेन भगवान की वाणी तो, ये जिनेन भगवान की अमृत में देशना तो, भैया ये यहां तो मन भी नहीं लगता, यहां से तो मन भी उचट 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 के भागता। तो भैया इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि हमें अपने अपने अंतर में, अपने भगवान आत्मा की, अपने अंतर में बसने वाले चैतन्य तत्व परमात्मा की, हमें उस शक्ति की स्वीकारता नहीं है। आज भी हम पढ़ते जरूर हैं कि इस शरीर आदि से भिन्न में एक अभेद अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर आदि मेरे नहीं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। भैया पढ़ते अच्छे से हैं, पढ़ के फॉर्मेलिटी से अच्छे से निभा लेते हैं, लेकिन भगवान आत्मा तुम एक बार गौर तो करो, तुम क्या कह रहे हो, संसार तुम्हारा नहीं, तो फिर संसार से मोह कैसा, ये पुत्र परिवार ये कुटुंब कबीला तुम्हारा नहीं तो इसमें राग कैसा, ये तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं तो इस शरीर के मन वचन काय के परिणाम में अपनत्व कैसा, जब तुम इससे भिन्न हो तो फिर इसमें अपनत्व कैसा। तो भैया क्या अभी राग खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, मोह खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, तो भाई क्या होगा, हाँ यहां से मोहिनी कर्म की प्रकृति में से दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव हो जाएगा, सम्यक श्रद्धान हो जाएगा, शायद तो मोहिनी नहीं जाएगा, राग नहीं जाएगा, लेकिन राग का जो पक्ष है कि राग मुझ में जन्म लेता है, ये जिस दिन चला जाएगा उस दिन से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। पूरी दुनिया राग को हटाना चाहती है, पूरी दुनिया राग को अलग करना चाहती है, लेकिन कोई ये जानता ही नहीं कि राग जिस पे स्थित है, राग जिस शक्ति के कारण से जन्म लेता है, वो शक्ति तो मिथ्यात की है। जब तक आप मिथ्यात के मूल जड़ को, राग के पक्ष को उखाड़ के नहीं फेंकोगे, तो राग तीन काल में भी खत्म होने वाला। ये देखो राग को इस भूमिका में खत्म नहीं किया जा सकता, आप अशुभ से हटाओगे शुभ में लग जाएगा, राग को इस भूमिका में खत्म नहीं किया जा सकता। राग को इस भूमिका में आप कहो कि हम राग को अलग कर दें, पुत्र परिवार को छोड़ दें, अशुभ क्रियाओं से शुभ क्रियाओं में चले जाएं, ये सब तो आप राग का परिणमन कर सकते हो, लेकिन राग को अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आवृत्ति श्रावक की भूमिका राग की भूमिका है। हाँ, लेकिन इस राग के पक्ष को अलग कर सकते हो, राग के बोध को हटा सकते हो, राग के बोध को, राग के पक्ष को एक कीमत पे, एक कंडीशन में हटाया जा सकता है, और वो कंडीशन है अपने चेतन में स्वभाव का मेपना, अपनी चेतन शक्ति का बोध। इसके अलावा कोई दूसरी विधि नहीं है राग को, राग के पक्ष को छोड़ने की, और कोई दूसरी विधि नहीं है। पहले आप ये बताओ, क्या आप राग के पक्ष को छोड़ना भी चाहते हो? इच्छा भी है, अंतर से भावना भी है कि हमें राग का पक्ष छोड़ना, मिथ्यात को छोड़ना है, या मिथ्यात को छोड़ने की भावना है। देखो कोई चाय पीता है ना, तो उसे चाय छोड़ने की भावना होने लगती है, भाई चाय बुरी है, अपन चाय पीते हैं और ये कोई से सुन ले कि भाई चाय पीना बुरा है, सेहत के लिए हानिकारक है, तो उसे चाय छोड़ने की इच्छा होने लगती है, मुझे चाय छोड़ना है। लेकिन अनादि काल से आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि पाप का बाप है मिथ्यात, लेकिन अपने को यह इच्छा नहीं होती कि मिथ्यात को छोड़ना। पाप का बाप है मिथ्यात, ये इच्छा नहीं होती कि मिथ्यात को छोड़ना है भैया। और एक बात कहें, सबसे अच्छी बात सुनो आप, मूल पॉइंट सुनो, क्या भैया यहां जीव चाहता है क्या कि भैया संसार से मुक्त होना है, संसार से छूटना है, लेकिन वो है जीव आत्मा ये जानते ही नहीं कि संसार से मुक्त होने का उपाय क्या, जानता है ना क्या उपाय है भैया, भैया पुण्य क्रियाएं करने लगो, शुभ क्रियाएं करने लगो, नियम व्रत अपनाने लगो, संसार से छूट जाओगे, नहीं ये उपाय नहीं। अच्छा आप एक बात बताओ, एक छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं हम आपसे, आप विरक्ति और मुक्ति किसे मानते हो, आप बताओ, एक छोटे से प्रश्न का जवाब दे दो आप, मुक्ति चाहते हो ना, मोक्ष मार्ग चाहते हो ना, तो आप विरक्ति और मुक्ति किसे मानते हो,
किसे मानते हो? विरक्ति क्या है, मुक्ति क्या, किसे मानते हो? आपकी अपनी, आप अपनी मानता में खोल के बता दो, आप अपनी मानता में झांक के देख के बता दो कि आप विरक्ति और मुक्ति मानते किसे हो। आप इसे पूछ रहे हैं, बताओ किसे मानते हो विरक्ति और मुक्ति? बताओ बताओ, काय में मानते हो मुक्ति, काय मानते हो विरक्ति? नहीं पता। अच्छा, मुक्ति और विरक्ति चाहते भी या नहीं चाहते? पहली बात तो चाहत नहीं होती, और दूसरी बात चाहत होती है तो पता ही नहीं कि विरक्ति किसका नाम है, पता ही नहीं मुक्ति किसका नाम है। भैया एक बात ख्याल में लाओ, एक बात बोध में लाओ, एक बात होश में लाओ। भगवान जी क्या भैया, बिना आत्म स्वभाव को अंगीकार करे, बिना चेतन शक्ति को अंगीकार करे, ना मुक्ति हो रही ना विरक्ति हो रही। स्व समय शुद्धात्म स्वभाव को स्वीकार करे बिना ना कोई विरक्ति है और ना कोई मुक्ति है। हमने अभी 4-5 दिन पहले भी चर्चा करी थी भैया, हमने पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ आदि ध्यान की चर्चा करी थी, तब हमने ये बात कही थी कि भैया आप आत्रो ध्यान को छोड़ना चाहते हो? 24 घंटे आत्र ध्यान और रोद्र ध्यान चलता है, क्या उस आत्रो ध्यान को छोड़ना चाहते हो? आप बताओ कि आत्र और रोद्र ध्यान को कैसे छोड़ सकते हो, कैसे छोड़ सकते हो? बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो भाई आत और रोद्र ध्यान को धर्म ध्यान करके छोड़ सकते हैं। आप धर्म ध्यान किसे कहते हैं? धर्म ध्यान, धर्म ध्यान किसे कहते हैं? अपनी निज चेतन शक्ति की ओर अपना उपयोग पलटे, श्रद्धान ज्ञान अपने वीतराग तत्व की ओर पलटे, अपनी चेतन शक्ति की ओर, अपने अंतर आत्म स्वभाव की ओर अपना उपयोग पलटे, इसका नाम धर्म ध्यान। और जब धर्म ध्यान होगा तब आर्थ और ध्यान छूटेंगे। अब एक बात बता, स्वचेतना की ओर पलटने से धर्म ध्यान होता है भैया, ये बात सही है, पक्का है? तो अब आप खुद स्वयं अपने अंतर आत्मा का विचार कर लो कि आप जानते हो कि धर्म ध्यान करने से मुक्ति होगी, आप जानते हो कि अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव का अपनी चेतना में पलटने से मुक्ति का कार्य बनेगा, मुक्ति की सिद्धि होगी। अब एक बात बता भैया, सुबह से लेकर शाम तक कितनी देर के लिए अपने स्वभाव की ओर पलटते हो? कितनी अपनी आत्मा की प्रतीति आती है? नहीं आती, कोई बात नहीं, उस प्रतीति को प्रकट करने का उपाय कितना करते हो? पुरुषार्थ, देखो भैया मार्ग आपन जानते हैं, मार्ग आपने जान लिया कि भैया आत और रोद्र ध्यान से छुड़ाने का एकमात्र उपाय है, आत और रोद्र ध्यान से छूटने का एकमात्र उपाय है, और वो उपाय है धर्म ध्यान। आपने जान लिया ना भैया, अब आप बताओ उस धर्म ध्यान के लिए प्रयास कितना है, कितनी माला सरकाली धर्म ध्यान करने के लिए, कितने शास्त्र पढ़ लिए धर्म ध्यान करने के लिए, कितने व्रत कर लिए धर्म ध्यान करने के लिए, कितने उपवास कर लिए धर्म ध्यान करने के लिए? भैया इस मिथ्यात से, इस जगत से, इस संसार से छूटने के लिए एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है, वो उपाय है अपनी चेतन शक्ति की ओर पलटना। और यदि आप अपने चेतन शक्ति की ओर नहीं पलट रहे हो, आप अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की ओर नहीं पलट रहे हो, तो भगवान आत्मा कितने ही नियम कर रहे हो, कितने ही उपवास कर रहे हो, कितने ही व्रत कर रहे हो, कितने ही स्वाध्याय कर रहे हो, वो स्वाध्याय स्वाध्याय तब है जब आपको स्व का अध्ययन हो। नहीं तो भैया सब प्रयोजन भूत नहीं है, अप्रयोजन भूत। भैया उपाय सामने है, आत्रोध ध्यान से मुक्त होने का उपाय सामने है, मिथ्यात से छूटने का उपाय सामने है, मुक्ति का उपाय सामने है, लेकिन उस उपाय को, उस मार्ग को ग्रहण करने के लिए आप पुरुषार्थ कितना कर रहे हो? हमने कल भी ये बात कही थी कि भैया ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय मोहिनी इन कर्म के कारण आत्मा दबा हुआ ऐसा नहीं, आत्मा का ज्ञान आत्मा को इसलिए नहीं हो रहा कि ज्ञानावरणी कर्म का आवरण इसलिए नहीं है,
आत्मा का ज्ञान आत्मा को इसलिए नहीं हो रहा कि आत्मा आत्मा के पुरुषार्थ को कहाँ उछाल रहा है, आत्मा आत्मा के पुरुषार्थ को, आत्मा आत्मा की चेतन शक्ति को कहाँ उछाल रहा है। यदि थोड़ी बहुत पुरुषार्थ की बात होती है, थोड़ी बहुत यदि मुक्ति की बात करते हैं तो मन वचन काय की क्रिया में करते हैं, कभी आत्मा आत्मा के पुरुषार्थ को उछालने की बात करता कहाँ है, आत्मा आत्मा का चिंतन करता कहाँ है। पूरी दुनिया की चिंता होती है, पूरे संसार की चिंता होती है, घर पुत्र परिवार संसार की सारी स्थितियों की चिंता होती है, लेकिन आत्मा को कभी आत्मा का चिंतन होता कहाँ है। भैया जब तुम्हें तत्व का, जब तुम्हें अपने निस्वभाव का ही चिंतन नहीं होता भगवान आत्मा, तो अब आप बताओ भगवान, जब आपको आपकी परमात्म शक्ति का चिंतन नहीं है, वही चिंतन क्यों नहीं है, क्योंकि उस परमात्म शक्ति में मैं पना नहीं, वो परमात्म सत्ता अपनी प्रतीत नहीं होती, वो परमात्म स्वभाव अनंत चतुष्टयम स्वभाव वो अपना नहीं लगता, इसलिए उसका चिंतन नहीं होता। भैया घर पुत्र परिवार अपने लगते हैं, इसलिए उनकी चिंता अपने आप ही होती है। एक बात निश्चित है, जिस जीव को जहां मैं पना बरतेगा, उस जीव का उपयोग अपने आप ही उस ओर जाए। आप नोटिस कर लो भैया, यदि आपको आपका पुत्र अति स्नेही है, तो आप अपने जीवन में देख लो कि आपको अधिकतर पूरे परिणाम उसकी ओर के चलते हुए दिखेंगे। यदि आपको दुकान प्रिय है, तो आपकी पूरी भावधारा आपकी दुकान रूप दिखेगी। किसी को यदि भोजन चौका प्रिय है, तो उसे अपनी पूरी भावधारा चौके रूप दिखेगी। जिसको धन की लोलुपता है, उसे सिर्फ धन का विचार आता है। जैसे काम की लोलुपता है, उसे मात्र स्त्री का विचार आता है। जिसे भोग की लोलुपता है, उसे भोजन का विचार आता है। भैया जिसे अपने अंतर आत्मा का, याद रखो, जिसे जहां ममत्व है, जिसे गाढ़ा जहां राग है, जिसका जहां मैंपना है, जिसकी जहां आस्था है, उसे उस सत्य का, उसका ही विचार आता है। भैया अपने संसार का विचार आता है, इसका अर्थ यह है कि अपना पूरा मैंपना देह आदि मन वचन काय की क्रियाओं में पड़ा हुआ है, इसलिए अपने को पूरा पुद्गल का ही विचार आता है। कभी अपन ने अपने आप को भगवान आत्मा स्वीकार ही नहीं किया, कभी अपन ने अपनी चेतन शक्ति को स्वीकार ही नहीं किया। जीता जागता सबसे निकटवर्ती ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा, अपने अंतर का अपना सबसे बड़ा साथी चेतन तत्व जो भैया अभी जान रहा है, वो देख रहा है, ज्ञाता दिष्टा जिसका परिणाम है, अपन ने कभी उस ज्ञाता भाव और दिष्टा भाव को स्वीकार नहीं किया, हमेशा कर्ता भाव और भोक्ता भाव को स्वीकार किया। अब बताओ जब मैंपना कर्ता भाव और भोक्ता भाव में है, तो चिंता काय की होगी, पुत्र परिवार की, शरीर की, शुभ अशुभ क्रियाओं की। यदि मैंपना ज्ञाता दिष्टा भाव में है कि मैं जानने और देखने वाला चेतन तत्व परमात्मा, चेतन शक्ति में भगवान आत्मा, यदि मैंपना अपनी ध्रुव चेतना में है, तो भैया चिंतन करना नहीं पड़ता, भेद ज्ञान करना नहीं पड़ता। आप दुकान पे नोट गिनते गिनते भेद ज्ञान होता है, भैया ये धन जड़ वस्तु है, पुण्य की वस्तु है, और मैं चैतन्य तत्व परमात्मा हूँ, इस धूल के ढेर से मेरा कोई संबंध नहीं। ये प्रतीति आपको गल्ले गल्ले अर्थात आपको अपनी गाड़ी पे बैठे हुए भी आ सकती है, भोजन बनाते हुए भी आ सकती है। इस प्रतीति को यदि कोई घात करता है तो मिथ्या। मैं परमात्मा हूं, मैं चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं इस जड़ पिंड से, इस संसार की अज्ञानता, ये जितना भी जड़ पिंड है, धन रुपया पैसा मकान दुकान, इन सब अचेतन वस्तुओं से मैं भिन्न चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं, इस प्रतीति का यदि कोई घात करता है तो वो मात्र मिथ्यात है। मिथ्यात के अलावा आपकी चेतन तत्व की प्रतीति का घात करने की ताकत मिथ्यात और चार अनंत अनुबंधी कसाय के अलावा आपकी चेतन शक्ति की जो प्रतीति है उसका घात करने की ताकत और किसी के पास नहीं। मिथ्यात मतलब पर्ग में मैंपने की स्वीकारता, पर्याय में मैंपने की स्वीकारता, परिणमन में मैंपने की स्वीकारता। और जब तक पर्याय परिणमन और पर भाव में मैंपने की स्वीकारता है, तब तक भगवान आत्मा ये मिथ्यात गलित नहीं होने वाला। और जब तक ये मिथ्यात नहीं गलेगा, तब तक मुक्ति का कोई उपाय? भैया राग मत छोड़ो, राग का पक्ष तो छोड़ दो, धन मत छोड़ो, धन का ममत्व छोड़ दो, घर मत छोड़ो,
घर मेरा है, बस ऐसी मान्यता छोड़ दो, आज से मुक्ति आपकी। लेकिन ये मुक्ति किसी को नहीं चाहिए, हम मोक्ष चाहिए, लेकिन कैसे? घर मेरा बना रहे, दुकान मेरी बनी रहे, संयोग मेरे बने रहे, इसके साथ मुक्ति चाहता है जी। कब तक मिलेगी बताता दो? घर भी मेरा बना रहे, मैं छोड़ने की कुछ भी बात नहीं कह रहा, पुत्र परिवार ही मेरे बने रहे, मैं छोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा, ये सब मेरे बने रहे, मेरी मानता में अपने बने रहे और मुझे मुक्ति मिल जाए, ये तीन काल में संभव नहीं है। मानता से छोड़ के तो बताओ, एक बार तत्व का निर्णय करके तो बताओ, एक बार वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके तो बताओ कि वो ज्ञायक तत्व परम शक्ति, वो ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, बस भैया वो ही मेरा स्वभाव है। एक बार प्रयोजन भूत शक्ति को ग्रहण करके तो बताओ, एक बार अपने प्रयोजन में, अपने अंतर में, एक बार अपने भगवान आत्मा को लक्ष्यभूत करके तो बताओ, लक्ष्य में लेके तो बताओ, ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा। देखो नहीं लग रही ना ये बात रुचिकर, ऐसा लग रहा है ना एक घंटे एक ही एक बात, भैया एक आध कहानी सुना देते, एक आध किस्सा सुना देते, एक आध इधर उधर की बात सुना देते, एक आध कोई उदाहरण सुना देते, ऐसा लग रहा है भैया एक आध कोई क्रिया बता देते तो थोड़ा मन लग जाता, थोड़ी रुचि लग जाती, लेकिन भैया एक ही एक चर्चा कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, अपने आत्मा में मैं पना, अपनी दर्शन ज्ञान में चेतन शक्ति में मैं पना, एक ही एक बात, एक घंटे से आप एक ही एक विषय लिए जा रहे हो, एक ही एक विषय लिए जा रहे हो, एक ही एक विषय लिए जा रहे हो, कब तक सुने क्या ना एक ही एक बात, एक ही एक शक्ति, एक ही एक सत्य की चर्चा, एक ही एक तत्व की चर्चा, ये कोई उदाहरण तो डालो बीच में, कोई मनोरंजन का विषय तो डालो, कुछ बीच में सुनाओ तो, लग रहा ना बोर। इसे कहते हैं कि अपन कहते हैं ना हमें आत्मा की बहुत रुचि है, हमें स्वाध्याय की बहुत रुचि है, हमें मंदिर की बहुत रुचि है, हमें तो धर्म बहुत प्रिय है, हम तो बहुत धर्मात्मा है। देखो यहाँ पता लगता है, यहाँ आके बैठो आपको पता लगेगा, अब भी एक घंटे में पता लग जाएगा आपकी कितनी रुचि है, आपको एक घंटे में पता लग जाएगा आप कितने धर्मात्मा हो, आपको एक घंटे में पता लग जाएगा आपने कितनी क्रियाएं करी जीवन में, आपको सिर्फ एक घंटे में पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में, एक घंटे में पता लग जाएगा, एक घंटे में ऐसा लगने लगेगा कि जैसे किसी ने मन को बहुत लोहे बेड़ियों से जगड़ के बैठा दिया हो, और मन यहां से सोच रहा हो भगो निकलो यहां से, निकलो, नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना, निकालो बाहर, ऐसा इतना भारी पना है। एक ही एक बात, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। भैया देखो अनादिकाल से इस मोहिनी कर्म ने, ये मन दर्शन मोहिनी चरित्र मोहिनी कर्म का पिंड है, और अनादिकाल से इस मोहिनी कर्म के कारण से, इस मन की अज्ञान प्रवृत्ति के कारण से आज तक ये जीवात्मा अपनी चेतन शक्ति को स्वीकार नहीं कर पाया, मन में चलने वाले विचारों को स्वीकार करा, कर्मों के द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म को स्वीकार करा, पुत्र परिवार धन कुटुंब कबीला सबको स्वीकार करा, लेकिन भगवान अपने अंतर में बसने वाले अपने चेतन तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार नहीं करा, बस इस कारण ही तो है जब, इस कारण ही तो ये सारा परिणाम है। तो भैया ये तो माला रोहन जी की अंतिम गाथा है, बता तो आज हम उस गाथा का वांछन ही नहीं कर पाए, सामान्य चर्चा हुई। भैया ये तो गुरुदेव की माला रोहन जी ग्रंथ की पहली गाथा का पहला चरण भी नहीं है, वहां तो ओमकार वेदंति शुद्धात्म तत्व से प्रारंभ हुआ, अपने निर्विकल चेतन स्वभाव के अनुभव से प्रारंभ हुआ है, अपने वीतराग तत्व की अनुभूति से उत्पन्न हुआ है, और लेकिन भैया यहां तो अपने को शुद्ध आत्मा की चर्चा ही उपयोग में रुचिकर नहीं लग रही, रुचि नहीं रही है बात, और बिना रुचि के मुक्ति। देखो अब आप पूछ रहे थे ना भैया कि अब आप ये बताओ कि वो स्वीकारता हो कैसे, ये ऐसे ये जो मन तपेगा ना यहाँ सुन के, उस पर ये हथौड़े पड़ेंगे, जबरदस्ती उसे जबरदस्ती यहाँ बैठाना पड़ेगा, जबरदस्ती उसे स्वीकार कराना पड़ेगा कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, और ये सारा संसार परिणमन असत्य है,
ऐसी सभा में बैठ के जहाँ ज्ञायक की चर्चा हो, जहाँ शुद्ध तत्व की बात हो, जहाँ एकमात्र अखंड अभेद अविनाशी तत्व पे पूरा बल दिया जाए, ऐसी जब उसे ऐसी अंतर शक्ति का, ऐसे गुरु महाराज की वाणी का, ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी का बल जब अंतर ज्ञान को मिलेगा, अंतर आत्मशक्ति को मिलेगा, तब जाके ये मन थोड़ा बहुत रास्ता देगा, तब जाके ये मन स्वीकार करने देगा इस सत्य को। और जब ये मन इस सत्य को स्वीकार करेगा, करने देगा, अर्थात मन रूपी जो रोड़ा है, मोहिनी कर्म की जो दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति है, जब वो रास्ते से हटेगी ना भैया, कैसी? देखो भैया, एक सरल सी बात, जब लोभ का लोभ हटेगा, अनंतनुबंधी लोभ, लोभ का लोभ, अपन को लोभ से दिक्कत नहीं है इस भूमिका में, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में भैया लोभ नहीं रहता ऐसी बात नहीं है, क्रोध नहीं रहता ऐसी बात नहीं है, मान माया नहीं रहती ऐसी बात नहीं है, लेकिन भैया इनका जो पक्ष है अनुराग है। भैया इनका पक्ष अनुराग कैसे है? सुनो, अनंत काल से ये जीव लोभ में एकमेक है, काम में एकमेक है, क्रोध में एकमेक है, और इतना एकमेक है, इतना एकमेक है कि इनमें एकमेक होने के कारण इसे अपनी चेतन तत्व का बोध नहीं आ रहा, चिंतन नहीं हो रहा, प्रतीति नहीं आ रही, तो ये अनंत हो गया है, अनंत। और यदि इन लोभ की, काम की, क्रोध की, विषय वासनाओं की प्रवृत्ति के बीच में यदि बार बार आपको अपने भगवान आत्मा की स्मृति आने लगे, सुरति आने लगे, तत्का चिंतन आने लगे, जिनेंद्र भगवान की वाणी वस्तु स्वभाव का निर्णय आने लगे, तो उस अनंत लोभ में अंतराय आने लगेगा, अनंत क्रोध में अंतराय आने लगेगा, अनंत माया में अंतराय आने लगेगा। जो अनंत क्रोध, अनंत मान, अनंत माया, इन विषयों में, इन कामनाओं में जो अंतराल आएगा, कौन सा अंतराल? ध्रुव तत्व की प्रतीति रूप, वस्तु स्वभाव के निर्णय रूप, आत्मा के चिंतन रूप, ये जो अंतराल आएगा, इस अंतराल से मिथ्यात का हनन होगा, इससे राग का राग छूटेगा, इससे लोभ का लोभ छूटेगा। भैया लोभ का लोभ, राग का राग, मिथ्यात छोड़ने का उपाय मात्र एक है, और वो उपाय है अपने चेतन तत्व का स्मरण। कब से नहीं किया याद भगवान आत्मा को बताओ तो? तीन एक मिनट और बचे बस, पांच। कब से याद नहीं किया अपने भगवान आत्मा को बताओ तो? अनंतनुबंधी से छूटना चाहते हो, मिथ्यात्व को छूटना चाहते हो, क्रोध काम कसाय रूप परिणति से छूटना चाहते हो, विकार विभाव रूप परिणति से छूटना चाहते हो, बताओ तो भगवान आत्मा चेतन शक्ति का स्मरण कब से नहीं आया? अपने तत्व का बोध कब से नहीं आया? अपनी आत्मा की स्वरति कब से नहीं आई? अपने आत्मा का आत्मा रूप दर्शन ज्ञान का दर्शन ज्ञान रूप पुरुषार्थ कब से नहीं जागृत हुआ? कब से नहीं हुआ? यदि ये सुरत नहीं आई, ये बोध नहीं आया, ये स्मरण नहीं आया, और आज भी नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है कि अनंत संसार अपनी गति से चल रहा है, और उस मिथ्यात में अपन लिप्त हैं, उस अनंतानुबंधी कसाय में अपन लिप्त हैं, और मुक्त होने का कोई उपाय अपने हाथ में नहीं। भैया जब तक मुक्त होने का उपाय अपने हाथ में नहीं है, जब तक मुक्ति मिलने वाली, अंतराय डालो, अंतराय, अनादिकाल से ज्ञान में अंतराय डाला है, अब कसाय में अंतराय डालो। अनादिकाल से अपन ने बीतराग धर्म को नहीं सुना, आत्मा की निरंतराल प्रतीति नहीं करी, अनंत काल से अपनी आत्मा में अंतराय डाला है, भैया मोह में अंतराय डालो, घड़ी घड़ी, समय समय पे, घंटे घंटे में, मिनटों मिनटों में, अरे जितनी जल्दी हो सके अपनी आत्मा की स्मरण की शक्ति को जगाओ इस भूमिका में, अपनी आत्मा की प्रतीति आ जाए, वस्तु स्वभाव का चिंतन आ जाए, बार बार जिनेंद्र भगवान की वाणी का अभ्यास अपने अंतर में हो, बार बार जिनेंद्र भगवान के वचन अपनी सुरत में आए, अपने स्मरण में आए, भैया ये अंतराय डलेगा ना तत्व के चिंतन रूप, आत्मा के चिंतन रूप, जब आत्म चिंतन रूप, तत्व चिंतन रूप, जब आत्म शक्ति अंदर से उत्पन्न होगी ना, ये अंतराय डलेगा ना, जब अनंतानुबंधी कसाय के अनुबंध टूटेंगे, अनुबंध, और जब अनंतानुबंधी कसाय का अनुबंध टूटेगा, जब अनंत संसार छूटेगा, जब तक कसाय से अनंत अनुबंध है, जब तक अनंत संसार छूटने वाला। सारभूत बात कह के पूरा कर रहे हैं भैया विषय, सारभूत बात कह के चर्चा को पूर्णता की ओर दे रहा है।
भैया कुछ हो सके या ना हो सके, अनंतानुबंधी कषाय से अनुबंध जरूर तोड़ देना। यदि इस पंचम काल में अनंतानुबंधी कषाय से अनुबंध नहीं तोड़ा तो नियम से नरक गति ही जाना पड़ेगा, ये बात निश्चित समझो। क्यों? क्योंकि अपने जीवन में इतना पुण्य भी नहीं है आज। क्रोध, काम, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, विषय वासना, पाप, कामाशक्ति, धन, पुत्र, परिवार, इनको बसाने में अपन ने पूरे जीवन भर मायाचारी, इसके अलावा कुछ नहीं किया। राग, स्वार्थ, अहंकार, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और यदि आज भी अपनी अंतरात्मा नहीं जागी, आज भी अपनी चेतना नहीं जागी और ये अनंतानुबंधी कषाय का अनुबंध अपनी सत्ता से नहीं टूटा, तो ये अनंतानुबंधी कषाय, ये अनंत अनुबंध, ये अनंत पाप का आश्रय वर्तमान में तो नरक ले जाएगा ही, दुर्गतियों में ले जाएगा ही, भविष्य में निगोद की यात्रा मिथ्यात सहित कराएगा जीव को। भैया कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, अनंत संसार का अनुबंध तो तोड़ ही देना। इस भाव में ज्यादा व्रत, संयमी, महावृति ना हो पाओ तो भैया पुरुषार्थ की हीनता तो मानेंगे, लेकिन भैया आवृत्ति श्रावक जरूर हो जाना। निरंतराय आत्मा को एक बार स्वीकार जरूर कर लेना, अपनी अंतर आत्मा की प्रतीति जरूर जगा लेना, अनंतानुबंधी कषाय का अनुबंध जरूर तोड़ देना। अर्थात बार बार अपने तत्व का चिंतन करके, बार बार अपनी आत्मा का चिंतन करके, बार बार जिनेन्द्र परमात्मा की वचनों की प्रतीति करके, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ इस सत्य पे विश्वास करके, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का विश्वास करके, बार बार अपने उपयोग में जो कषायों की निरंतराल धारा बह रही है उसमें अंतराय जरूर डालते जाना। क्योंकि वो जो अंतराय है ना, जो कषायों में जो अंतराय आएगा, वो जो अंतराय डलेगा ना, वो ही अंतराय तुम्हारे निरंतराय ज्ञान को प्रकट करने का कारण बने। क्यों? क्योंकि जितनी देर कषायों से हटोगे, आत्मचिंतन चिंतन करोगे, तत्व चिंतन करोगे, उतनी देर बाहर में पुण्य का आश्रय तो होगा ही होगा, शुभ गतियों का वंद तो होगा ही होगा, भगवान आत्मा का स्मरण करोगे, पुण्य का आश्रय तो होगा ही होगा, शुभ गतियों का वंद तो होगा ही होगा, लेकिन जिन शासन की अनुबोधना भी होगी, जैन भगवान के वचनों की अनुबोधना भी होगी, भैया उस अनुबोधना के फल से ही सम्यक रूप रत्न प्राप्त होगा। दोबारा जिनेन्द्र भगवान की वाणी प्राप्त होगी, आगे जिन कुल प्राप्त होगा, और अपनी आत्मा परंपरा से एक भाव में नहीं तो 10 भाव में, 10 भाव में नहीं तो 50 भाव में परंपरा से मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगी। और भैया यदि अनंत अनुबंध नहीं टूटा संसार से तो फिर मुक्ति का कोई दूसरा उपाय? भैया सारभूत तत्व ये है, प्रयोजनभूत बात ये है कि आप सिर्फ इतना बताओ कि आपको अपने परमात्म शक्ति का बोध कितनी जल्दी आता है, बस यहां चर्चा पूरी होती। आप सिर्फ ये बताओ कि आपके सबसे निकटवर्ती आपका आत्मा, आपका सबसे निकटवर्ती है, आपका मित्र है, आपके उपयोग में आपके अंतर आत्म शक्ति का स्मरण कितनी जल्दी आता है? जितनी जल्दी आपको आपके निज स्वभाव का स्मरण आता है, आप समझ लो उतना अच्छा आपका सम्यक है, उतना अच्छा आपका श्रद्धान है। और भैया जितना अच्छा आपका श्रद्धान है, जितना आप सम्यक के निकट हो, जितने आप सम्यक के समीप हो, जितना आपको आत्मा का चिंतन है, भैया बस उतना ही मुक्ति का, उतना ही मोक्ष का मार्ग है। और ऐसा मोक्ष का मार्ग आचार्य भगवंतों ने करुणा करके हम जैसे भव्य पात्र जीवों को प्रदान किया है। भैया अपन इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुन के, इस जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को सुन के अपने मुक्ति श्री के यथार्थ मुक्ति, भैया काल्पनिक मुक्ति नहीं, भैया हमने के लिए कहाँ जाना है, सबने के लिए मोक्ष जाना है, कल्पनाओं की मुक्ति नहीं, यथार्थ दर्शन ज्ञान के पुरुषार्थ पूर्वक, यथार्थ आत्म तत्व के निर्णय पूर्वक अपन सच्ची मुक्ति के मार्ग में आरोहण करें, यही जिनेन्द्र परमात्मा का हम समस्त भव जीवों को एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सत्प्रवर तारण तरण मिलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय, जय नमोस्तु, जय जनेन्द्रोत्तम क्षमा सभी से, जय नमोस्तु।